जादुई बकरी। एक गांव में चरण दास नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी गायें और बकरियां थी। गोपी नाम का एक छोटा सा लड़का उन बकरियों को रोज गांव से बाहर चराने के लिए ले जाता था। एक दिन गोपी सभी बकरियों को लेकर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक बकरी चल नहीं पा रही है। अरे ये इस बकरी को क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं पा रही? ओह, इसके पैर में चोट लगी है, आओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। शाम को गोपी ने चरणदास से बताया कि रानी के पैर में चोट लगी है। अरे ये रानी बड़ी हो गई है, ये तो दूध भी अच्छे से नहीं देती, इसका कुछ करना होगा, तुम जाओ मैं देख लूँगा। अगले दिन भी रानी चल नहीं पा रही थी। उसका दर्द देखकर गोपी को बहुत दुख हुआ। गोपी दुखी होकर घर चला गया। क्या हुआ गोपी, आज बहुत उदास लग रहे हो बेटा? माँ, चरणदास की बकरियों में एक बकरी रानी है, उसके पैर में चोट लगी है, वो चल भी नहीं पा रही। वो रोज मेरे साथ चरने के लिए जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं खाती, बस एक जगह बैठ जाती है। मुझे उसकी बहुत चिंता है माँ। क्या चरणदास उसका इलाज नहीं करवा रहा? नहीं। ठीक है बेटा, चिंता मत कर, मैं कल लेप बना दूंगी, वो तुम उसे उसके पैर पर लगा देना, खुद से घास काट कर उसके आगे डाल देना, वो खा लेगी। ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद गोपी को पता चला कि चरणदास अपनी बकरियों को बेचना चाहता है। अब उसे रानी की चिंता होने लगी। उसे पता था कि चरणदास रानी को पसंद नहीं करता। गोपी, बकरियों को अच्छे से नहला धुला देना, साफ सुथरा कर देना, कल इनके लिए ग्राहक आएंगे, मैं बकरियां बेच रहा हूँ। अगले दिन बहुत से लोग आए और बकरियां खरीद कर ले गए, पर रानी को किसी ने नहीं खरीदा। लगता है ये रानी तो कसाई को बेचनी होगी। ये सुनकर गोपी को रानी की चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहकर रानी को खरीद लिया। अब वो माँ बेटा रानी का अच्छे से ख्याल रखने लगे। रानी रोज इतना दूध देती कि माँ बेटा तो कभी भी दूध की कमी नहीं महसूस करते। एक दिन गोपी रानी को लेकर कहीं जा रहा था, तभी रानी एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगी। रानी क्या कर रही हो, लाओ दिखाओ मुझे। तभी गोपी ने देखा कि पेड़ के नीचे से सोने के 5 सिक्के निकले हैं। सिक्के बेचकर अब माँ बेटा बहुत अमीर हो चुके थे। जब से रानी जो गोपी लेकर गया है उसके तो दिन ही फिर गए हैं, लगता है वो कोई मामूली नहीं जादुई बकरी थी। रात के समय चरणदास ने रानी को चुरा लिया और गांव से बाहर जाकर रानी से कहने लगा, तुम अगर जादुई बकरी हो तो मुझे भी सोने के सिक्के दो, वरना मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। रानी उसको एक और पेड़ के नीचे ले गई और वहाँ उसे सोने का हार मिला। वाह रानी, तुम तो सच में जादुई हो। तभी वहाँ राजा के सिपाही आए और उन्होंने चरणदास को पकड़ लिया। ये हार रानी का है, जरूर तुम ही ने चोरी किया होगा, चलो हमारे साथ। चरणदास को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और रानी गोपी के साथ वापस चली गई। बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है। जादुई दरवाजा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था कमल और दूसरे का विमल। कमल बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन विमल बहुत आलसी और कामचोर। एक दिन, विमल मैं कल सुबह अपने खेतों के आलू बेचने के लिए शहर जाऊंगा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा, पर तुम मुझे बाजार से कचौरी खिलाना। हाँ हाँ खिला दूंगा, तुम चलो तो। वो दोनों अगली सुबह शहर की ओर चल पड़ते हैं। शाम तक सारे आलू बेचकर जंगल के रास्ते से वापस आते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। विमल देख, कितनी तेज रोशनी, चल चलकर देखते हैं। ओहो, मुझे तो आलस आ रहा है, पर चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों रोशनी का पीछा करते हुए एक बड़े से बरगद के पेड़ पर पहुँचते हैं। पेड़ में से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही थी। पेड़ के नीचे एक दरवाजा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचते हैं, दरवाजा खुल जाता है, दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सा सोना रखा है, ये जगह तो पहले कभी नहीं देखी। हाँ भाई, ये देख, यहाँ एक दादाजी बैठे हैं। नमस्ते दादाजी। आओ कमल और विमल, कैसे हो बच्चों?
दादाजी, आपको हमारा नाम कैसे पता? मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ दादाजी, मैं अभी लाया। कमल ने दादा को पानी पिलाया और विमल ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ये लो मेरे बच्चों, ये पौधे ले लो। तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमें अपने जीवन में एक पेड़ कम से कम लगाना ही चाहिए। कमल और विमल दोनों पौधों को लेकर चल पड़े। कमल, तुमने देखा कि वहाँ कितना सारा धन होते हुए भी उस बूढ़े आदमी ने हमें बस एक पौधा दे दिया। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो, जो भी उन्होंने दिया वही हमारा इनाम है। नहीं नहीं, मैं अभी वापस जाता हूँ और सोना लेकर आता हूँ। विमल वो पौधा वहीं फेंक पेड़ पर वापस चला गया, पर उसे अब वो दोबारा दरवाजा नहीं दिखा। उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, मगर कमल ने जाकर वो पौधा अपने आंगन में लगा दिया। कुछ ही महीनों में उस पौधे में से 100 अलग अलग पौधे निकले। वो पौधा कभी भी बिना फल के नहीं होता, और विमल के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था, और कमल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ज्यादा के लालच में थोड़ा भी छोड़ना मूर्खता है। खूबसूरत माँ। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का चेहरा थोड़ा जला हुआ था। अपनी माँ को भोला पसंद नहीं किया करता था। माँ, तुम बहुत सुबह सुबह सामने मत आया करो, मुझे सुबह के समय सुंदर चीजें देखना अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता मेज पर रख दिया करूँगी, तुम इसे खा लिया करना, मैं सुबह के समय तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, ठीक है? भोला हमेशा अपनी माँ को कभी अपने स्कूल नहीं आने देता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि स्कूल से टीचर ने माँ के लिए नोटिस भेजा है। माँ चुपचाप स्कूल पहुँच गई। इस बात से भोला बहुत नाराज हो गया। बेटा, मैं तो इसीलिए स्कूल आई थी कि टीचर तुम्हें ना डांटे। नहीं माँ, तुम मेरा अपमान करने के इरादे से स्कूल आई थी, मेरे सभी दोस्त तुम्हें देखकर डर गए, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अब स्कूल छोड़ना होगा, वरना सब मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर खूब तरक्की करो। नहीं माँ, अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूरी पर उसकी मौसी का घर था। वो अपनी मौसी के घर पहुँचा। उसकी मौसी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसे अपनी मौसी बहुत पसंद थी। क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे? भोला ने सारी बात मौसी को बता दी और रोने लगा। अरे भोला, रो मत, मैं तुझे आज बताती हूँ कि तुम्हारी माँ का चेहरा कैसे जला। भोला मौसी की बात सुनने लगा। तुम्हारी माँ मेरी ही तरह बहुत सुंदर थी, पर एक दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसमें फंस गए। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ आग में कूद गई, मगर तुम्हें बचा लिया। क्यों, सच में? तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें दुख ना हो, इसीलिए कभी उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि उसका चेहरा कैसे जला। क्या, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? मैंने अपनी माँ को कितना दुख दिया है, और माँ ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। मौसी, अब मैं कभी माँ को तंग नहीं करूँगा। भोला भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से माफी मांगता है। मेरा प्यारा भोला बेटा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, माँ का प्यार ही उसकी सुंदरता है। चूहे की शादी। एक बार की बात है, जंगल में शेर की शादी हो रही थी, जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था सिवाय चूहे के। चूहे का नाम था चिंटू। जब चिंटू को शेर की शादी के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। यह तो हद ही हो गई। शेर ने सभी जानवरों को न्योता दिया और मुझे नहीं दिया।
अब तो मैं भी अपनी शादी करूंगा। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी के साथ शादी करूंगा, जो कि शेर की दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर होगी। चूहे ने शादी का फैसला कर लिया था और अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हाथी से हुई। हाथी का नाम भोला था। अरे चिंटू, कहाँ जा रहे हो? मुझे शादी करनी है, इसीलिए मैं अपने लिए दुल्हन ढूंढने जा रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एहसास होता है कि सूरज ज्यादा बलवान है। सूरज भगवान, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझसे ज्यादा बलवान तो बादल है। तुम उसकी बेटी से शादी कर लो। फिर चूहा बादल के पास गया। बादल, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान तो पर्वत है। चिंटू पर्वत के पास गया। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे खुशी होगी, परंतु मेरी चोटी पर एक काला चूहा रहता है, जिसने अपने दांतों से मुझे कुरेद कर वहाँ एक बिल बनाया है और वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। जब चिंटू उस चूहे के पास जाकर अपनी बात कहता है तो वह उसकी बात मान लेता है। शादी के दिन वह सारे जानवरों के साथ शेर को भी न्योता देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हम चूहे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सभी एक समान हैं, इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए।